शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबूत या गवाह, कभी जिंदा मत छोड़ो। तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बेरोजगार को रोजी दे रहे हो। इनसे भागने का रास्ता किधर है? देश सेवा का एक मौका मिला है। गर्दुला भाई, गर्दुला भाई, क्या बात है? चार नंबर चौकी से कैंप में एक आदमी जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है वो? झंझार सिंह, झंझार सिंह, आजा, आजा, गर्दुला, गर्दुला पठान, मेरे यार, कहाँ था इतने वर्षों तक? रेगिस्तान के ट्रेनिंग के बाद अब मिल रहा है क्या? मगर गर्दुला, मुझे यहाँ बुलाया किस लिए? अभी बताता हूँ यार। ए, अंग्रेज को बुलाना तो। अंग्रेज? वेलकम मिस्टर रॉस। हाय मिस्टर रॉस, दुनिया के कोने कोने में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है। मिस्टर रॉस, ये है झंझार। हेलो, हेलो, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। मिस्टर रॉस, इस वक्त दुनिया में तीन सबसे खतरनाक मर्सिनरी माने जाते हैं, उनमें से एक है झंझार। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिरानी हो या पूरा शहर या किसी भी छोटे मोटे देश की सरकार को गिराना हो या उसमें बगावत लानी हो, झंझार से बेहतर और पेशेवर आतंकवादी मौजूद नहीं। मिस्टर झंझार, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है और वहां जाकर इतना आतंक फैलाना है कि वहां की सरकार हिल जाए। मुझे? मिस्टर झंझार, आज दुनिया का हर अरबपति, बड़ा बड़ा कंपनीज, मिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ भाग रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, मगर उसका कुछ पड़ोसी मुल्क ये नहीं चाहता है। इसलिए हिंदुस्तान की इस तरक्की को रोकने के लिए उन्होंने जो कई प्रोग्राम्स तैयार किए हैं, उनमें से एक प्रोग्राम ये भी है कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर इतना आतंक फैलाया जाए कि हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होने वाला पैसा उनके यहां इन्वेस्ट हो। उनका कोई धर्म हो ना हो, मेरा ईमान और धर्म है पैसा, सिर्फ पैसा। इस काम के लिए 20 मिलियन डॉलर यानी कि 90 करोड़ रुपए आदमियों का और हथियारों का खर्च हमारा। ओके। इसमें सारे पते और टेलीफोन नंबर्स हैं, जहां से आगे की ऑर्डर्स मिलेंगे। एडवांस? कुछ नहीं, काम पूरा होने पर सारे रुपए एक साथ लूंगा, जिस मुल्क में चाहूं वहां। ओके। तब तक हिंदुस्तान की बैंकों से काम चला लूंगा। थैंक यू, थैंक यू, बाय। ओके। ये क्या किया तुमने? इस पेशे का सबसे पहला सबक, सबूत या गवाह, कभी जिंदा मत छोड़ो।
बैठिए। ताला खोलो। जी साहब। संभल के लाओ सामान। हाँ सर। रश्मि आए, संभल के लाओ, कोई सामान गिरना नहीं चाहिए। कहाँ चले गए सब के सब? हाँ आराम से रख दो सामान को। आरती आ गए। रश्मि कहाँ है? देखो मैं उसकी शादी के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। ये देखो ये साड़ियाँ एक से बढ़कर एक, ये फ्रांस के कट ग्लासेस खरीदे हैं मैंने उसके लिए सब के सब। ये देखो जब रश्मि को हल्दी लगेगी तो ये हार पहनेगी, और जब मंगनी होगी तो ये मोतियों का हार, और ये डायमंड का हार जब रिसेप्शन होगा तब। लंदन के मल्होत्रा साहब से शादी की बात भी कर रहा हूँ, ऐसी शादी करूंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। तुम्हारे चार महीने बाहर रहने से यहाँ के हालात तो नहीं बदले, किसे दुल्हन बनाओगे? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी लाडली तो बिन ब्याही विधवा बन बैठी है। क्या क्या कह रही हो तुम? राजा को मरे हुए साल भर गुजर गया, मौत का गम 13 दिन का तो सुना था,
मगर ये तो तीन जन्म तक होश में आने वाली नहीं लगती। और तुमने कभी फोन पर कहा नहीं? और क्या कहती कि तुम अपना सारा काम धंधा छोड़कर उसके साथ बैठकर राजा का शोक मनाओ। आरती, लगता है हमसे कोई कसर बाकी रह गई है। रश्मि राजा की जुदाई भूल जाए उसके लिए क्या क्या नहीं किया हमने, कॉलेज बदला, दोस्त बदले, अब तुम कहो तो ये घर भी बदल लें। बदलना है तो उसका मन बदलिए। उसकी फ्रेंड्स हर रोज यहाँ आती है नए नए प्लान्स लेकर उसका मन बहलाने के लिए, अगर वो माने तब ना। ठीक है, मैं मिलकर आता हूँ। डैडी, आप कब आए सिंगापुर से? बस अभी अभी आया हूँ बेटी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बहुत अच्छा बजा रही हो। करेक्ट, धुन तो बहुत अच्छी है बेटी, मगर पुरानी हो चुकी है। क्यों नहीं तुम कोई नई धुन ट्राई करती? कुछ धुनें जिंदगी का गीत बन जाती है डैडी, जिसे जीने का और कभी कभी मरने का भी मकसद मिल जाता है। बेटी, यादों की लाशों को कंधों पर लादकर जिया नहीं जा सकता। अगर हर आदमी इसी तरह एक दूसरे की याद में मरने लगता तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती। अभी तो तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है, नए नए रिश्ते कायम करने हैं बेटा। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए राजा की यादों का सहारा बहुत है। मुझे किसी नए रिश्ते की ना ही तलाश है और ना ही जरूरत। ओके, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात मानोगे? राजा को भूलने के अलावा अब जो कुछ भी कहेंगे मैं मानूंगी। देखो बेटा, तुम बाहर घूमने क्यों नहीं चली जाती? जैसे तुम्हारा मन बहले, गो समवेयर। यही तो हम चाहते हैं अंकल, हम सब लड़कियां हिमालय घूमने नेपाल जा रहे हैं। नेपाल? हाँ। घबराइए नहीं अंकल, काठमांडू की लड़कियां भी हमारे साथ जाएंगी। यस अंकल, आप इससे कहिए ना कि हमारे साथ चले। हाँ, देखो बेटा, अगर तुम ना बोलोगी ना तो मुझे दुख होगा। अगर मेरे जाने से आप दोनों को खुशी मिलती हो तो मैं जरूर जाऊंगी नेपाल। कीमती चीज को कहाँ फेंकने जा रही है? कीमती? और ये हाथी दांत जो है। Thank you.
जो बसे थी वो सब कहाँ चली गई? वो तो निकल गए, काठमांडू चले गए। क्या काठमांडू चली गई? चलो काठमांडू आ गया। मैं शमशेर सिंह राणा, इस होटल का मालिक। जी हाँ, आपका ग्रुप तो आया था, मगर पोखरा का रास्ता तो बंद है 8 घंटे के लिए, वो घाट के मरम्मत के लिए। इसीलिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर उसी वक्त चला गया पोखरा, और आपके लिए एक मैसेज रखा है कि आज रात आप मेरे ही होटल में ठहरे और कल सुबह किसी भी प्लेन से पोखरा चली जाइए। ठीक है। छोड़ के चले जाते हैं।
Hey girl, come on, sing with me. Me? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Join the party, sing. राजा, ये सब क्या है? मुझे अकेले तड़पने के लिए दिल्ली छोड़कर तुम ये रानी बनकर मुझे खबर मिली थी कि तुम्हें मैडम लगता है मोहब्बत में बहुत बड़ा धोखा खाया आपने, मगर वो बेवफा मैं नहीं। शायद मेरी तरह एक ही हसीना को दिल देना तुम्हारे यार की भी फितरत नहीं। आइए गाकर अपना गम हल्का कीजिए और भूल जाइए उसे। इनकार कर रहे हो, मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी राजा? आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपका राजा नहीं हूं, मैं इस होटल का सिंगर हूं रॉनी। तो आप मुझे नहीं जानते? नहीं। ठीक है, फिर उतारिए अपनी शर्ट। देखिए मैडम, कहीं आपने इस भारी महफिल में मेरी शर्ट उतरवाने की किसी से शर्त तो नहीं लगाई ना? Shut up! मजाक बंद करो और उतारो अपनी शर्ट। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे सीने पे बंदूक की गोली का निशान है। बंदूक की गोली? वो गोली जो तुम पर दिन धाड़े हुतात्मा चौक के चौराहे पर चलाई गई थी जब पुलिस तुम्हें अदालत ले जा रही थी तब। अब उतार अपनी शर्ट और साबित करो कि तुम राजा नहीं हो। कम ऑन, हरी अप। हाँ, इस तरफ।
शाब 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 वो जो लड़की क्लब में आपकी पीछे पड़ी थी ना शाब, उसने दूसरे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली शाब, और ये चिट्ठी आपके नाम छोड़ गई शाब। रानी, रात की गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना। इससे पहले कि राजा के लिए मेरा पागलपन दुनिया के सामने मजाक बने, मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रश्मि, रश्मि, इसे जल्दी से स्कैनिंग रूम में ले जाओ, आप यहीं ठहरिए। सब क्या है रोनी? तुम रश्मि को जानते हो तो उससे भाग क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा नाम राजा है तो फिर रोनी क्यों बने हो? और एक खून किसका हुआ था रोनी? राणा साहब, मेरी जिंदगी ऐसे कई हजार सवालों की जंजीर है जिसके कई जवाब तो मुझे भी याद नहीं। मेरी सबसे पुरानी याद है सत्यनारायण मंदिर के नीचे लगने वाली उस आश्रमशाला की, जहां पर एक यतीम राजा को सड़क से उठाकर भर्ती कराया गया था। हाँ, तो बच्चों, भगवान की याचना में या परमात्मा की स्तुति में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बस, हमारे देश के हर कोने में कई ऐसे संत हो चुके हैं जिन्होंने भक्ति पे रचना की है। बबलू, तू एक संत कवि का नाम बता। संत कबीर। शाबाश शाबाश। एक गधे, तू बता। चल ज्ञानेश्वर। अरे वाह वाह वाह, नीचे बैठ, चल। राजू, तू बता। हसरत जयपुरी। चुप 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 चुप। नहीं नहीं, मेरी वजह से ये बैंक कभी बंद नहीं होगा। हाँ, थोड़े ही दिनों में मैं इतने फिक्स डिपॉजिट ला दूं। काट दिया। एक्सक्यूज मी। यस जी, मेरा नाम है सिद्धांत कपूर, वो मेरे दादाजी हैं दौलत राम कपूर, अफ्रीका में अपना कारोबार बेचकर स्वदेश लौटे हैं। माफ करना बहन जी, माफ करना। छड़ी छड़ी। धन्यवाद। $10,00,000 का फिक्स डिपॉजिट और अपने बैग में पड़े सारे हीरे जवाहरात किसी लॉकर में रखना चाहते हैं। है? लेकिन लेकिन क्या? दादाजी का कहना है कि जहां बड़े से बड़ा मंत्री रिश्वतखोर हो वहां आम आदमी कम से कम चोर तो होगा ही। नहीं नहीं, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि बहुत बड़ा बैंक है, बहुत नाम है इसका। हाँ हाँ। यहाँ आपकी दौलत बहुत हिफाजत से रहेगी। हाँ हाँ। लेकिन उनका कहना है कि दलालों के चक्कर में बहुत से बैंकों का दिवाला निकल गया, बड़ी मुश्किल से उन्हें यहाँ तक लाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता आप उन्हें समझा सकेंगे। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं दादाजी को समझाता हूँ। दादाजी, दादाजी, मैं यहाँ का बैंक मैनेजर हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे बैंक में कोई खतरा नहीं है। यहाँ दलालों की एंट्री बैन है, हम यहाँ किसी दलाल का खाता नहीं खोलते। चले चल घर, मैं अफ्रीका लौट जाता हूँ। दादाजी बहुत डर गए मैनेजर साहब, अब मैंने नहीं रोका। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को मेरी बात सुने बगैर नहीं जाने दूंगा। कैसे नहीं जाने देंगे? नहीं जाने दूंगा। अरे ये कोई बैंक है? आपको भरोसा नहीं है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि हमारा बैंक कितना मजबूत और महफूज है। चोरी नहीं टिका। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब, इसमें लाखों रुपए के हीरे जवाहरात है, मुझे जाने दीजिए, मुझे डर लगता है। दादाजी ये देखिए पहला दरवाजा, इसके की होल के पास कोई चाबी तो क्या उंगली भी ले जाए ना तो खतरे की घंटी बजती है। कहाँ? बैंक में? नहीं, पुलिस स्टेशन में। ये देखिए लेजर बीम सिस्टम, तेज हवा भी इन किरणों के पास जाना चाहे तो खतरे की घंटी यहाँ नहीं बजती, पुलिस थाने में बजती है। ये देखिए ऑटो लॉक सिस्टम दरवाजा, एक बार कोई भी अंदर जाए फिर बाहर आने की कोशिश करे तो खतरे की घंटी यहाँ नहीं बजती, पुलिस स्टेशन में बजती है। नहीं, अस्पताल में बजती है। अस्पताल में क्यों? क्योंकि अंदर शॉक लगता है। और
इस मजबूत तिजोरी में आपके जेवरात बिल्कुल सेफ रहेंगे। मुझे मालूम था इस मजबूत तिजोरी का माल इसमें महफूज रहेगा, इसलिए मैं इसे खाली लाया। स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ है? पांव उस तरफ है। गोपाल, तुझे 30 सेकंड में तिजोरी तक पहुंचकर 30 सेकंड में सारा रुपया बैग में भरना है। बाहर निकलने के लिए 30 सेकंड, और 30 सेकंड बहुत है पुलिस की नजर और पहुंच से दूर होने के लिए। अंडरस्टैंड? कम ऑन, सेट द बॉम्ब। किसी को बाहर मत जाने देना, इन्हीं में से किसी दो आदमियों ने मेरा पैसा लिया है, सबको उड़ा दूंगा। यकीन नहीं आता है? यकीन नहीं आता? डोंट बिलीव इट। मैं इस पूरे बिल्डिंग को बम से उड़ा दूंगा, सब मारे जाओगे सालों। पैसा निकाल, मेरा पैसा निकाल, पैसा निकाल। कहा है मेरा पैसा? बोल, कहा है मेरा पैसा? मेरे पास है पैसा। झंझार सिंह ने पारसीवाड़ी में भारत जनता बैंक लूटकर एक बार फिर से डंक मारा है। यह उसका 13वां अपराध है और 4थी बैंक डकैती। पिछले 10 महीने में हमारा स्पेशल स्क्वाड उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा है, लेकिन वो शहर में लगातार दहशत फैलाने में कामयाब होता जा रहा है। सारा शहर छान मारो, हर घर, हर दुकान, हर मोहल्ला, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, गवाहों को ढूंढो। इस बार झंझार सिंह पकड़ा ही जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ए, रुक रुक रुक, जीप रुक, जीप रुक रुक रुक। गोपाल, इससे पहले कि बंबई के बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी शुरू हो, तू ये पैसे लेकर सूरत पहुंचना। 12:30 बजे की गाड़ी से निकल जाना, वहां तुझे सोना सिंह मिलेगा, वही तुझे आगे का गेम समझाएगा। चालीस सालों से मैं दूसरों की आंखों का सुरमा लाता रहा, और आज किसी दूसरे ने पहली बार मेरी आंखों में धूल झोंक दी। हराम सादा। दादू, मैंने तो माल इसलिए वापस कर दिया ताकि और निर्दोष लोगों की जाने न जाएं। तूने ठीक किया बेटे, मगर आप घबराइए मत, अपना भैरू की अकेला काफी है गुंडों से लड़ने के लिए। दादू, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस हराम सादे के सूरत पहुंचने से पहले ही हम कलाकारों से छीनी हुई एक एक पाई हम वापस ले लेंगे। दादू, सूरत जाने वाली सौराष्ट्र मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। साहब, साहब, बैग 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 मेरे सर पे रख दे, ये तेरे वजन कम करता है। अबे खुद का वजन तो संभाला नहीं जा रहा है, मेरा वजन कम करने चला है। भगवान करे तुझे कीड़ा लगे, नहीं टाड़ा लगे। बैग में क्या है? कपड़ा है। और इसमें? यस। ए खुले, चल ठीक है, ये ले सामान उठा, दोनों बैग साथ में रखना, और याद रख बोगी नंबर 3 पे मिलना मुझे, बुलाना है। डर गए टाड़े से क्या? चल चल चल।
सत्यानाश। रुक रहे हैं बुड्ढे। आ रहा है साला। तेरी तो बड़ा बक्सा कहाँ है? वो तो स्टेशन पे ही रह गया। उल्लू का पट्टा। अब नासिर पठान को क्या जवाब देंगे? 1 करोड़ का कर्जा अगर नहीं चुकाया तो गला काट देगा, समझा? दादू अगर आप जुए की लत नहीं छोड़ेंगे तो कर्जे की लाज जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अब ये बता इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा कर? दादू एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना धुनीचंद ज्वेलर्स की दुकान ही लूट ले। बहुत दिनों से काम लटका पड़ा, 1-2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, कर्जा भी चुकता हो जाएगा और अपनी जिंदगी भी सुधर जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन तू मनु से अगर साथ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। तू ये बक्सा लेके गिरधारी मिल में चला जा। 1:30 से 3 बजे तक धुनीचंद लंच के लिए दुकान बंद करके जाता है। वो खाना खाएगा, अपन माल खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। चल चल चल। 1 करोड़ का सोना। राम राम सर जी। राम राम। जय राम जी की। खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा, दुकान का ख्याल रखना। अली एक बात बताऊँ, शहर में आजकल डकैतियाँ बहुत बढ़ रही है। सेठ जी, हम लोगों से बड़ा डकैत और कौन हो सकता है? तभी तो आप लोगों को दुनिया सलाम करती है सरकार। जीते रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो। माल हाथ आया है कि जिंदगी भर खाने पीने की कोई तकलीफ ही नहीं होगी। दादू पर आप जुआ फिर भी कम खेलना। चले 25 किलो का शाने माल ला फटाफट। अरे भाई, चोर डाकू के भी कुछ ईमान कुछ उसूल होते हैं। एक बार लूटने के बाद फिर लूट रहे, तुम्हें तो हमसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। चले बुढ़ाओ, ज्यादा बकबक नहीं। चले चिकने माल ला फटाफट। चल ए शाने, हम लोगों को मार के तेरे को कुछ मिलेगा नहीं। माल ऐसी जगह छुपाया हुआ है कि ढूंढते ढूंढते तेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, चल मारवाड़ कर लेते हैं। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बैंक की सारी कैश तेरी, मारवाड़ी का सारा सोना मेरा। मंजूर है? मंजूर। चल ठीक है, चल लिया सामान, माल लिया जा। बंदूक फेंक, बंदूक फेंको, पहले बंदूक फेंको। चल देखता क्या, चल जल्दी कर। दादू का ख्याल रखना, आता हूँ। चल बेटा बैग फेंक। हाँ समझे समझे, तू माल फेंक, मैं बैग फेंकता हूँ। चल 1 2 3। रुक बे वो शाने। क्या यार, इतना बड़ा चाकू? पहले आप उनके साथ भेड़, फिर उस बैग को हाथ लगा। चले बुड्ढे, गेन 1-2-3 गेन। अरे यार, बगैर खुन्नस के लड़ना ही है तो ये तो तय कर ले कि वार कहाँ कहाँ मारना है, कितनी देर तक लड़ना है। भाई कायदा भी तो कोई चीज है कि नहीं? चले कायदा वायदा खुद नहीं, क्या नहीं है कायदा? दादूगिन, दादूगिन, 1-2-3। चल भाग दादू भाग।
पिता के जेवर 3 महीने के 3 महीने के फ्लैट पर सब सब बंद कर दिया रे। ये 50 लाख जेवर, ये अगले 3 महीनों में जहां पर बम ब्लास्ट करना था, जो बारूद हम 16 से खरीदने वाले थे, ये उसका पैसा था। अब मैं क्या छत मार के लाऊंगा? क्या जोड़सकी के साथ और लौटने की वजह से मैं क्या करूं? अरे झंझार भाई, तुम पॉकेट का टेंशन ले रहे ले। इस शहर के गली गली का हर एक छपरी, हर एक आना शाना येड़ा गोपाल के नाम से थर्राता है मालूम। अरे उनमें से कोई ना कोई उस लौंडे का पता अपन के लिए ढूंढ निकालेगा ही। उसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तो फिर जाओ और कहीं से भी कैसे भी मेरा पैसा ढूंढ के लाओ, और उन्हें ऐसी मौत दो कि फिर आएगा कोई चोर उचक्का हमारा रास्ता काटने की कोशिश ना करे। तेरा पैसा, तेरा पैसा। कोई अंदर है? ए, क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा है? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। पैर तो अभी दिखा दो। मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। वो फौजी ड्राइवर। क्यों बे? फिर अंदर क्यों झांक रहे थे? मैं किसी को ढूंढ रहा था साहब। किसको ढूंढ रहे थे? एक लड़का है राजा, गोरा सा सुंदर सा। कौन वो चोरोचे के राजा की तुम बात करो? अरे लगता है वो इसको भी टोपी पहना गया। वो हरे मकान में रहता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो तो तेरी शर्ट भी उतार लेगा, समझे? ये भी फंस गया राजा की। इसीलिए कह रहा हूं बुड्ढे, बक कुछ बक। गोपाल अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। अब तू ही जाकर उसको कुछ बोल, तू ही समझा उसको जाकर। तूने मेरा माल गवाया था ना, जा। अरे मैं 2 घंटे से कह रहा हूँ माल मेरे पास नहीं, तुम्हें दिखता नहीं। जानता हूँ माल तेरे पास नहीं है, लोगों के पास है ना। मुझे इतना बता दे कि वो है कहां। अरे तेरी कसम, हम प्यार से पैसे लेंगे और उनको जाने देंगे। चल बता दे। अरे मुझे क्या मालूम वो कहां गए हैं, तुम लोग जाओ यहां से। तुम मर। दादू होंगे, तुम उधर से चलो। तेज भरा, बच के जाने दे पैसा ला। चल फटाफट बता माल कहाँ है, जल्दी देख क्या रहा है, तेरे पुट्टे को तोड़ा दिया, तेरे को भी उड़ा दूंगा। चल अपने पास टाइम है, चल चल माल निकाल।
शी हियर? बोलो। दुबे हियर। राजा नाम का एक लड़का झंझार की गोली से जख्मी होकर आयुर्वेदिक अस्पताल में दाखिल किया गया है सर, मगर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो गवाही देने को तैयार नहीं? जी नहीं सर। ठीक है। इतना छोटा सा था जब से उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, कौन प्यार करेगा मुझसे? उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं खून पी जाऊंगा मैं उसका। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दादू दादू कहां चला गया? दादू तू कहां चला गया? मुझे अकेला छोड़ के तू कहां चला गया? दादू कहां चला गया? वो बाहर निकल गया, वो बाल ठंडा हो गया। बरखुरदार, उस दरिंदे के गुनाह गिनते गिनते कानून की सारी धाराएं खत्म हो जाएंगी। वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम अकेले इकलौते इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे उसकी ताकत से तुम लोग डरते हो, वरना उसको पकड़ने के बजाय यहां दुबक कर पैरा नहीं दे रहे होते। तुम इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हो कि तुम्हारे लिए पुलिस बिठाई जाए। तुम चश्मदीद गवाह हो। तुमने उस हरामजादे की शक्ल देखी हुई है जो इस मुल्क के हर बड़े गुनाह और वारदात की आखिरी कड़ी है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है अदालत में तुम उसका बयान दो। तुम्हारी गवाही उसके गले में फंदा डालेगी और कानून उसकी रस्सी खींचेगा। गवाह बन जाऊं? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बेरोजगार को रोजी दे रहे हो। कौन बनेगा गवाह? कौन भरोसा करता है तुम पे? अरे तुम लोगों को तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसा चाहिए, गिरफ्तारी के लिए पैसा चाहिए, कार्रवाई के लिए पैसा चाहिए। अरे तुम अपने सगे बाप की नहीं हो। शट अप। तो कौड़ी के आदमी बाप का मतलब जानते हो? अरे कीड़ा भी अपने बच्चों के साथ नाली में रहता है, लेकिन तुम जैसों को चौराहे पर फेंक देते हैं तुम्हारे बाप। ना तो बाप की जिम्मेदारी निभाते हैं और ना ही बच्चों की जवाबदारी। उन्होंने अय्याशी की और तुम्हें जिस्म का महल समझकर बाहर फेंक दिया। हाँ हाँ, मेरे बाप ने अय्याशी की और तुम्हारे बाप ने बिना कुछ किए पैदा कर दिया तुम्हें। बाप की बात करते हो? मेरे बाप का नाम गुरबचन सिंह था, बड़ा ही था वो। जानते हो उसने अपने बच्चों को क्या दिया? संस्कार। अगर मुझे संस्कार नहीं मिले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर उन संस्कारों की कमी को पूरा करने का मैं तुम्हें मौका तो दे रहा हूं। कैसा मौका? झंझार सिंह सिर्फ तुम्हारे दादू का ही खूनी नहीं है। ये देखो, दिल्ली की एक सरकारी बिल्डिंग में बम फोड़ा था उसने, 18 आदमी मरे। गुजरात की एक रिफाइनरी में आग लगवा दी थी उसने, 36 आदमी जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, कुछ अरसे पहले हमने उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें छुड़ाने के लिए उसने हमारे 3 सरकारी अधिकारियों को अगवा कर लिया और जब हमारी सरकार ने उन आतंकवादियों को लौटाने से इंकार कर दिया तो झंझार सिंह ने एक एक करके तीनों को मार डाला। और उसके साथी जेल में मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। अरे काय का मुकदमा, काय की सजा? पब्लिक के पैसे का सत्यानाश साला। अरे जब उसने अपने एक आदमी को मारा, तुम उसके 2 आदमी को मार डालते, फिर देखते। राजा, तुम्हारा ये जोश मेरी उम्मीदें बढ़ा रहा है। देखो, चोरी के हजारों मौके मिले हैं तुम्हें, देश सेवा का एक मौका मिला है, निभा दो, अमर हो जाओगे। मौत की किसे परवाह है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे अदालत पहुंचने से पहले तुम्हारे ही आदमी झंझार सिंह को मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे? मैं मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ गद्दारों की वजह से कुछ गवाहों की मौतें हुई हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि झंझार सिंह को अदालत में पहुंचाने के 8-10 महीने के अरसे तक मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा जहां पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा और किसी को खबर नहीं होगी।
राजा के पिता हो। जी हाँ, मैं ही वो बाप हूं जिसने उसे पैदा तो किया था मगर मगर जिस्म का मैल समझ के फेंक दिया था। तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करके इतने सालों के बाद कौन सा हक जताने आए हो अपने बेटे पर? हक नहीं साहब, हक नहीं, प्रायश्चित, प्रायश्चित करना चाहता हूँ अपने पापों का। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम दयाल वर्मा है साहब। मैं दिल्ली में ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ, मगर उससे पहले मैं फौज में था, फौजी ड्राइवर। मेरा बेटा मेरी पत्नी के साथ लखनऊ के पास बंसिया गांव में रहते थे, मगर उसका भाई मुझे खत लिख लिख कर हमेशा अपनी बहन के काले कारनामों के बारे में कच्चा चिट्ठा भेजा करता था। आखिर तंग आकर मैं छुट्टियों में गांव आया, मगर उसने मेरे सामने ऐसे सबूत पेश किए कि मुझे यकीन हो गया कि मेरी पत्नी गिरी हुई औरत है और मैं अपने बेटे और पत्नी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला गया। कुछ सालों के बाद अचानक जब मेरे गांव के लोग मुझसे मिले तब जाके उसका भंडाफोड़ हुआ। वो भाई नहीं था, कंस था, कंस। उसने मेरी जमीन हड़पने के लिए मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे पहले मैं वहां जाता और अपनी पत्नी से माफी मांगता, पता चला कि कई साल पहले ये दुनिया छोड़ के चली गई है। फिर पता चला कि मेरा बेटा बंबई में है, इसलिए मैं बंबई आया। पता ढूंढते ढूंढते जब उसके घर पहुंचा तो देखा साहब, कुछ गुंडे उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं भी पीछे पीछे भागा और इससे पहले कि वो उसे मार डालते मैं उसे बचा के अस्पताल ले आया। तो अब तुम क्या चाहते हो? साहब, अस्पताल में मैंने आपसे सुना कि आप मेरे बेटे को एक साल के लिए छुपा के रखना चाहते हैं। मेरी आपसे विनती है क्या अगर आप दिल्ली में मेरे मालिक के पास जाके मैं भी रहता हूँ उसे नौकर बना के रखवा दें तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा और इतने बड़े मकान में बड़ी हिफाजत से रहेगा और जो संस्कार मैंने उससे इतने सालों से नहीं दिए उसे देने की कोशिश करूंगा। मगर साहब, आप उसे ये मत बताइएगा कि मैं उसका बाप हूं। बहुत नफरत करता होगा अपने बाप से, उसके गुस्से की आग मैं नहीं सह पाऊंगा। मगर तुम्हारे मालिक साहब, अगर आप हां कर दे तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही भले लोग हैं। क्या नाम है उनका? श्री अमरेंद्र कपूर। स्टेशन। अरे पहले बताओ तो सही, बात क्या है? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? किसके साथ? कैसे? क्या हुआ भाई? बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ, मुझे पुलिस को फोन करने दो। ये क्या कर रहे हो ताकि पुलिस आकर तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा दे? इतनी ईमानदार मत बनो कि तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी बेटी के माथे का कलंक बन जाए। ओहो, अब मैं क्या करूँ? अरे अपनी शराफत में पछताइए, ड्राइवर आप है कि मैं? मुझे छुट्टी दे दी ताकि मैं आराम कर सकूं। आपने कभी सोचा अब अगर आपको कुछ हो गया तो इस घर का, इस परिवार का, फैक्ट्री का, आपकी इज्जत का क्या होगा? सब खाक में मिल जाएगा। अरे हमारे जैसे नौकर तो हजार मिल जाएंगे लेकिन आपके जैसा मालिक कहां मिलेगा? तैयार, तैयार, तुम मेरे पति की जान बचा सकते हो। मैं कैसे? उनका इल्जाम अपने सर पर लेकर मैं तुम
से अपने पति की जान की भीख मांगती है। ना, ना मालकिन, तुम्हें जो मुआवजा चाहिए, जितना पैसा चाहिए, मैं तेरे को तैयार। मालकिन तैयार, प्लीज मालकिन, मुझे पैसा मुआवजा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मालिक, मैं आपके लिए सूली पर चढ़ने को तैयार हूँ। मालिक, मैं आपके पापों का प्रायश्चित कर लूंगा। मालिक, आप भी मेरे पापों का प्रायश्चित करेंगे? पाप? कैसे पाप? साहब, आप तो जानते हैं कितने सालों से मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा था। वो मुझे मिल गया, वो बंबई में है, लेकिन वो गुंडा मवाली बन गया है। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? मालिक, आप मेरे बेटे को अपने घर में पनाह दे दीजिए। उसे धन दौलत मत दीजिए मालिक, उसे सिर्फ संस्कार दीजिए जो मैं न दे सका, क्योंकि मेरा धर्म है। संस्कारों से कम एक आवारा से इंसान तो बन जाएगा। बस यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा मालिक। साहब, साहब, बाहर पुलिस वाले आए हैं। क्या? और कुछ लोग हथियार लेकर भी आए हैं, किसी सफेद शर्ट वाले को पूछ रहे हैं। तुलसी, तुमने रोको, जाओ जल्दी जाओ। मालिक, वक्त नहीं है, आप अपनी शर्ट और टाई खोलकर मुझे दे दीजिए। मालिक, मेरे बेटे के लिए आप मुझे मुझे वचन दीजिए। मैंने मिसेस कपूर को खबर कर दी है कि राजा और डीपी वहां पहुंचने वाले हैं। आप लोग उन्हें पुलिस वैन में नहीं बल्कि टैक्सी में बिठाकर घर के बाहर उतार दो, ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद तुम चारों सिविल ड्रेस में उस घर के आसपास 24 घंटे पहरा लगाते रहो। राजा की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। यस सर। रश्मि, मम्मी, मम्मी, I'm very excited today. हाँ? क्यों? मम्मी, डाकू फुलन देवी से लेकर नटवरलाल तक और चार्ल्स शोभरा से लेकर मेहता तक मैंने सारी फ्रॉड और क्रिमिनल्स की किताबें पढ़ डाली। मम्मी, ये जो आदमी है ना, हाँ? ये फ्रांस का आदमी है, इसने वो आईफिल टावर वो बेच डाला। अच्छा? और वो भी दो बार। ओह माय गॉड। मम्मी, अपना राजा कम से कम कुतुब मीनार तो बेच ही देगा ना। बकवास बंद करो, ये सारी किताबें बंद करके अपनी कोर्स की किताबें पढ़ो। चलो अपना काम करो और खबरदार जो तुम अपने बेडरूम से बाहर निकली। कम ऑन। I'm so excited. बख्शी साहब ने जो बताया वो सब याद है ना? उसके आते ही सारा घर की वार मत खोल देना और जितना हो सके उसे घर से बाहर ही रखना। हा? इतना बेवकूफ समय रखा है, घाट घाट का पानी पी रखा है मैंने। टोपी मास्टर, नटवर लाल से दो बार मिल चुका हूँ पर्सनली। रहने दो, रहने दो। कोई है? तुम राजा हो? नहीं, मैं हवालदार पांडुरंग तेलवड़कर, गुप्त पुलिस। गुप्त पुलिस? और वो इंस्पेक्टर शिंदे, स्पेशल क्राइम ब्रांच। कमिश्नर साहब ने आपके घर को खलास, मेरा मतलब है तलाश करने को भेजा है। तलाश? किसलिए? जिन दो खतरनाक मुजरिमों को तुम पनाह देने वाले हो उनकी सुरक्षा की जांच करने आए हम लोग। मुजरिम? इधर आओ। पता तो करो कि ये पुलिस वाले हैं कि कोई और। मुझे तो एक गुंडे मवाली लग रहे हैं। लगता है मेम साहब डर रही है। कुछ चाय पानी का बंदोबस्त कर देना, ऐसे रिपोर्ट लिख कर निकल जाते। पुलिस वाले हैं, जाओ चाय ले आओ। इस जमीन के नीचे क्या है? जमीन के नीचे क्या है? क्या है? क्या है? अरे बुनियाद है यार, और क्या है? गुड। इधर से भागने का रास्ता किधर है? भागने का रास्ता? क्या कह रहे हो भाई, घर है ये, जाने का रास्ता बोलो पीछे है। आपके अलावा इस घर में और कौन कौन है? मेरी बीवी है, इकलौती बेटी है, नौकर चाकर है। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? तिहाड़ जेल समझ रखा है क्या? ये कवर में क्या है? कवर में क्या होता है? मुर्दा भी तो हो सकता है। देख ले भाई, अच्छी तरह देख, तू भी देख। हम्म।
कमरे में आके रहेंगे वो दोनों। इतना ख्याल रखना कि उन दोनों को अच्छा खाने का शौक है। एक को राजमे का बहुत शौक है, राजमे का और एक तो मच्छी, और कभी कभी एक दारू बहुत पीता है। लेकिन आप घबराइए मत, कमरे में आके पीगा, कमरे में। और दूसरा कभी कमर पीकर आए तो बुरा मत मानना। क्या वो? हेलो, हाँ एसपी साहब, आपके पुलिस वाले तो आ गए हैं लेकिन वो दोनों नहीं आए हैं। पुलिस वाले? अरे उनमें से एक पतला लंबा सा और एक गोरा सा है। हाँ गोरा है। और तुमने उन्हें सारा घर खोल के दिखा दिया होगा। मैंने घर का कमरा कमरा दिखा दिया है और यहाँ तक कि अपनी अलमारी भी खोल के दिखा दी है। अरे ओ बेवकूफ कपूर, वही तो वो दोनों हैं जिन्हें मैंने भेजा है। क्या ये दोनों वही है? क्या हुआ? सुनो राजा। हाँ एसपी साहब कह रहे थे कि तुम ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हो। मेरा ड्राइवर इन दिनों छुट्टी पर है, तब तक तुम ये गाड़ी चलाना। तुम्हें इस काम के लिए 2000 रुपए मिलेंगे। हफ्ते के? नहीं नहीं महीने के। हफ्ते के? तुम खाना बहुत अच्छा बना लेते हो, तुम किचन में मदद करना, तुम्हें इस काम के लिए 600 रुपए मिलेंगे। और बाजार में सब्जी वगैरह खरीदने कौन जाएगा? तुम जाओगे और कौन जाएगा? हाँ तो फिर 600 रुपए चलेगा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग राजा, रश्मि को कॉलेज छोड़ देना। बेटा तुम डीपी को रास्ते में सब्जी मंडी छोड़ देना। अच्छा। ये तुम्हारी फीस के पैसे हैं और ये डीपी को दे देना। थैंक यू। इस टोपी मास्टर के बारे में सुना तो बहुत है लेकिन इसका कारनामा देखने कैसे मिलेगा? आइडिया। रोको रोको रोको। क्या हुआ? पैसे भूल गए। वैसे भी आज फीस भरने का आखिरी दिन है। तो फिर घर चलो। नहीं नहीं नहीं, घर जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी एसपी साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम खड़े खड़े कुतुब मीनार बेच सकते हो। तो क्या तुम 500 रुपए पैदा नहीं कर सकते? पैदा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मेम साहब, लेकिन फिर आपको भी इस खतरनाक खेल में शामिल होना पड़ेगा। तो फिर चलो। अगर ओवर टाइम की बात करके और लोगों को पड़काया ना तो तंदूर में डालकर जिंदा भून दूंगा। जा अपना काम कर। So stupid, कहाँ गई होगी? अब तो इसी में थी राजा। अरे कोई बात नहीं, मिल जाएगी। राजा, I'm extremely sorry, please. कोई बात नहीं। क्या बात हो गई पुत्र? बहन जी, इन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए जयपुर से मंगनी के लिए हीरे की अंगूठी बनवा के लाई थी। मैं स्टूपिड कहीं खो दी। अरे बाबा, दूसरी ले आऊंगा मैं। क्या दूसरी दुल्हन? नहीं बाबा, अंगूठी वो तो दूसरी भी आ जाएगी, पर तुम तो एक लौती हो ना, तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे ना। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। नो डार्लिंग, आई लव यू। वैसे तो अंगूठी 2000 रुपए की है जी, मगर आपको मिल जाए तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। कहाँ गई होंगी? मैं आपको 2500 रुपए दूंगा, वो जरा इमोशनल मामला है ना। ओके जी, कम डार्लिंग, लेट्स गो। थैंक्स। ऑलराइट, नमस्ते। लव बर्ड्स लाइक अस। ब्रांडेड है ना, ब्रांडेड है ना। ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? वहां मिली, हमारे घर में दो रहती है ना, लड़ो उसे दे दूंगा मैं। अरे तोबन को छोड़, अंगूठी मैनू दे। ए, पुलिस को बुलाओ क्या? अरे 300 रुपए दूंगा ये अंगूठी मुझे। ये 1000-1500 से कम नहीं है। अच्छा बाबा 600 रुपए ले लेना, अंगूठी मुझे दे दे। 600 अंगूठी। हाँ हाँ दे ना। ये 600 पैंडी। अरे पी और भाग।
फोन लगाओ, हाथ में अंगूठी, अंगूठी में पैसा, डिंग 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 डिंग। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। भाई साहब आ गए, हमारे भाई साहब आ गए। कैसे आप? अंगूठी मिल गई। पैसे पैसे चाहिए ना? पैसे तो है मेरे पास, पैसे तो मैं हमेशा रखता हूँ। लीजिए 200 रुपए। और देता हूँ। कहाँ गए पैसे? जल्दी निकाल। मिल गए। हमेशा पीछे, माजी हमेशा पीछे के पग में रखती है, मुझे समझ में नहीं आता। ये लीजिए 200 और 400 हो गए। और निकाल। और कैसे लाऊं पैसे? और खोल जल्दी करो पैसे। अरे 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 आ गए आ गए आ गए पैसे, आ गए पैसे, आ गए 200 आ गए, तो पूरे हो गए। आइंदा इस इलाके में दिखाई दिए तो तंदूर में डालकर जिंदा भून दूंगा। बिल्कुल नहीं करना, मेरी तो डाइटिंग चालू है ना आजकल। बाय 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 बाय। चलो मेरे दोस्तों को मेरे दोस्तों बाय बाय, चलो बात चले। हाय मेरे पैसे। ए यू आर गेट टू बी पास्ट। खतरा 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 खतरा।
खतरा 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 We'll be right back.
कल से वो काम पर नहीं आएगा। अच्छा ठीक ए राजा इधर आना, मैं बाद में बात करता हूँ। ये क्या राजा शराब पी के आया हो तुम? शराब पी के आया हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? ए शाने चलना है यार, तूने मुझे सुधारने की मेरे बाप से सुपारी ली है क्या? अगर मैं तेरा बाप होता ना तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ देता मैं। ए बंगले वाले ज्यादा बाप बाप बनने की कोशिश मत करा, तू मेरे को मारेगा, ले मार मार ना। ए साले हीरा डालूंगा क्या? अपने बड़ों से ऐसे बात करते? तेरा बेटा होता तो जानते हो क्या करता? क्या करता इतना मैं बताता हूँ। इधर ले जा रहा मैं खाना नहीं, अगर ऐसी गंदी हरकतें करनी है तो निकल जाओ मेरे घर से, गेट लॉस्ट। अरे गवाही के चक्कर में चार दिन तेरे छत के नीचे क्या रह गया? तो अंग्रेजी में बाहर निकालता मुझे? अरे तू क्या निकालेगा, मैं खुद जाता हूँ तेरे घर से, थूकता हूँ तेरे घर पे। गेट लॉस्ट बोलता है साला, गेट आउट, यू गेट आउट। मुझे पियाला बोलता है? अरे बुड्ढे तू पियाला, साला मेरे को पियाला बोलता है? अरे पियाला होता तो गिरता नहीं क्या मैं? अरे होता है यार, होता है, साला मेरे को पियाला बोलता है? अरे थूकता तेरे बंगले पे बुड्ढे। चल राजा सो जाए यहीं पे। डीपी तुम जरा बाहर जाके देखो ना, अगर ठंड में इसको कुछ हो गया तो। इस हरामी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसको ठंड में क्या बर्फ में भी डालो कुछ नहीं होगा। डीपी तुम तो क्या अकेले अकेले जाके पीने में शर्म नहीं आती? आए खुली हवा में तो कमाल की नींद आती है, आप लोगों को एसी की आदत है ना? आप लोगों में कोई झगड़ा हुआ है क्या है? सब चुप बैठे, तुमने तो नहीं मां से कुछ कहा? लपेट दो मुझे। आलू के पराठे और दही। हाथ मत लगाओ गंदे, बेबी देखो कैसे काटे चम्मच से खा रही है। अरे इनके काटे और चम्मच तो ना जाने कितने लोगों के मुंह में जाते हैं, मेरे हाथ तो सिर्फ मेरे मुंह में जाते हैं, इसमें गंदगी क्या, क्यों है कि नहीं? अरे ठीक है भाई, आप लोगों को अपना नाश्ता आधे में छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं आप लोगों को लगता ही कौन हूं जो आप लोग मुझे माफ कर दें। चाहता हूं मैं और फिर कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। डैडी ठहरो। जी दोबारा ऐसी हरकत तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा, अगर तू पराठे मिल जाए तो। अरे ओ भाई वो अपन का खबरी ने बड़ा लफड़ेबाज न्यूज लाया है, वो लौंडा है ना राजा, वो पुलिस का खबरी बन गया है, मगर पुलिस ने उसे कहां अंडरग्राउंड किया है वो सिर्फ एसपी बख्शी जानता है। वो एसपी खुद उसे मुझ तक पहुंचाएगा, क्योंकि झंझार सबूत और गवाह कभी जिंदा नहीं छोड़ता। किस मुसीबत में पड़ गया हूँ आज।
रहम करो यार, ऊपर से मुसीबत छुड़ा के यहाँ आया हूँ यार तुम, प्लीज यार। मैं देख रही थी कि मास्टर जी ठीक सिखा रहे हैं कि नहीं। ए भगवान, अरे चुप, अरे वो मास्टर, ये बुलडोजर की तरह धड़धड़ा क्या रहे हो तुम? और तुम यह हथौड़ा क्यों ठोक रही हो जमीन पर? तुम्हें मेरा तोड़ा हथौड़ा लग रहा है? अगर हथौड़ा नहीं होता तो छत से प्लास्टर गिर के मेरा सर नहीं फूटता, ये देख। क्या यार डीपी? कह रहा सर, तुम दोनों म्यूजियम मैडम क्यों नहीं मरते होते? क्यों? उन्हें बहुत बिल्डिंगें तोड़नी है। अरे जा जा, तेरे कुछ संगीत के बारे में क्या मालूम? गधे के सामने रात भर गीता वाचा, गधा बोला कचरा कुंडी साचा। ठीक है गधे के बच्चे, एक लूंगा फिर करते रहना ही। चलो डीपी। जी मेरे सामने वाले मकान में एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है आग लगी आग लगी आग लगी। जी हाँ पता लिख ही लीजिए, आग लगी आग लगी आग लगी। लेकिन आप लोगों को किसने कहा कि यहाँ पे आग लगी है? इनको फोन मैंने किया था, एक घंटे से ये मास्टर दहाड़ दहाड़ कर बोल रहा है आग लगी आग लगी, तो मैंने सोचा आग बुझाने के लिए फोन करके बुलाई लूं। क्यों? खुद अपने से तो कमर तक नहीं हिलाई जाती और चले दूसरों का मजाक उड़ाने। अब आ ही गए हैं तो रिहर्सल ही देख लेते हैं। वैसे मान गए टोपी मास्टर को। चुप करो यार, मैं उसे कॉलेज की पिकनिक पर इसलिए लाई हूँ कि हम सब मिलकर उसकी ऐसी खिंचाई करेंगे कि वो जिंदगी भर टोपी लगाना भूल जाएगा। और तुम सब लोगों की हंसी जा रही हो? ओके यार, वैसे कहाँ है टोपी मास्टर? आओ मेरे साथ। जरा अपना हाथ तो दिखाना। तो तुम हाथ देखना भी जानते हो? अरे वो महान ज्योतिषी था पंडित वीरेंद्र शर्मा, उनके घर में जब मैं खाना बनाता था वो मेरे खाने से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे यह सिखाया। तुम खाना बनाना भी जानते हो? लो बंबई में ताज होटल है ना, वहाँ का जो कुक है वो तो मेरी शायरी से इतना खुश है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। लगता है कुछ लंबी लंबी छोड़ रहा है। तुम शायरी भी जानते हो? माधुरी दीक्षित मिली रस्ते में, ये गाना अनु मलिक को किसने लिख के दिया? मैंने। चलो कल्पना, चलो रश्मि, नाश्ता तैयार है। मैडम एक मिनट। और तो और बियरवड़ा के जो महाराज है ना, वो तो मेरी शायरी से इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे गॉगल दिया जिसके पहनते ही सबके सब आदमी नंगे नजर आते हैं। अरे 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 अरे, ये वो चश्मा नहीं है भाई, ये नहीं है वो। अब चलो भी। एक मिनट मैडम, क्या बात है मैडम, हीरों का हार? लॉटरी लगी क्या? नहीं रे, नकली है, सिर्फ 5,000 रुपए का। हाँ? मगर लगता असली है ना। कब से पड़ा था मम्मी के ड्रॉवर में, मैंने आज जबरदस्ती पहनाया ना। हाँ, चलो चलो अब चलो भी। 5 मिनट मैडम, आपको एक फेकू मासी से मिलाती हूँ, चलिए ना। चलो चलो। अरे हीरे जवाहरात तो मेरे हाथों से ऐसे गुजरे हैं जैसे कि चलो। अच्छा, तो तुम किसी भी हीरे को देखकर बता सकते हो कि उसकी कीमत क्या है? लो, 2 साल दुनीचंद ज्वेलर में राजपाली में मैंने काम किया है। अगर नहीं बता सके तो? जो कहो और जाओ। लगी सर? लगी। बताओ मैडम का ये हार कितने का होगा? रहने भी दो रश्मि, चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। नहीं मैडम, बताओ कितने का होगा? हम्म,
कम से कम 2 लाख का। अरे ये तो 5 हजार का है, मम्मी के पास कहाँ से आएगा 2 लाख का हार? हार गए, हार गए, हार गए, हार गए, हार गए। चुप, तुम्हारा कहने से हार गया? चलो जोरी के पास, वहीं चल के फैसला होगा। मुझे लगता है राजा तुम इसे एक बार नजदीक से देख लो। ठीक है, आप कहती हैं तो देख लेता हूँ। लाइए। ये हार नकली है, आप लोग जीत गए। बताओ भाई क्या करना है? वहां उस पहाड़ी पर हनुमान झुलाए, वहां से पार्वती नदी में कूद जाओ। रश्मि ये तो मर जाएगा ना, और पार्वती का बहाव भी कितना तेज है और झूला भी कितना ऊंचा है। अरे पानी में क्या, इसे बर्फ में भी डालो तो भी इसे कुछ नहीं होगा। ठीक है कूद जाते हैं। गुड बाय। रश्मि उसे रोक लो रश्मि, वरना मेरे हाथ तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। गुनाह? हाँ, ये हर वाकई 2 लाख का है। क्या? लेकिन आपके पास ये? मैं जानती हूँ एक टीचर की औकात नहीं है इतना कीमती हार पहनने की, मगर बात ये है रश्मि कि कल्पना के डैडी को गुजरे 5 साल हो गए हैं, और इतनी जवान होती जा रही लड़की को लेकर जीना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। इसीलिए जब उनके करीबी दोस्त मिस्टर चौहान ने मुझसे शादी की इच्छा जाहिर की तब मैंने उन्हें हाँ कर दी। ये हार मुझे उन्होंने ही दिया। अब मैं नहीं जानती मैं कल्पना को यह सब कैसे बताऊं, कहीं वो उसे गलत समझ बैठी तो, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। आज अगर उसे हार की कीमत पता चल जाती तो वो मुझे बच्चलन और आवारा समझ बैठती और हम दोनों की जिंदगियां तबाह हो जाती। मगर राजा ने मेरी आंखों में मेरी मजबूरी पढ़ ली और इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसे बचा लो रश्मि, उसे बचा लो, उसे बचा लो। लगता है दूसरों के इल्जाम अपने सर लेके सजा भुगतना इसके खून में है।
तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी जान खतरे में डालकर मैं किनारे पे कैसे खड़ी रहती? लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया राजा। आई लव यू।
तुझे दिल ये दिल नौकर लग रहा है। भूल गई वो दिन जब डैडी की जान और इज्जत की रक्षा के लिए राजा के पिता के सामने तुम गिड़गिड़ा रही थी। डैडी के गुनाह की सजा वो ड्राइवर भुगत रहा है। स्टॉप इट। मैं नहीं चाहता तुम्हारी ये बकवास कोई और सुने। पिताजी कहां है वो? आखिर ढूंढ ही लिया ना अपने बाप को। कोस बेटा, जितना जी चाहे कोस, मैं हूं ही खुद कर्ज और कमीना इंसान। दूसरे के गुनाह अपने सर पर लेकर आप जेल की सजा सिर्फ इसलिए काट रहे हैं ताकि आपका बेटा एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके और आप खुद कर्ज। तो क्या हुआ, तेरे मां की मौत के बाद भी तो मैं तुझे अपना नहीं सका बेटे। अपनाते भी कैसे, मां की मौत की खबर मिलने पर आप जब भी गांव आए होंगे तो मुझे बहुत ढूंढा होगा ना। मगर मैं भी क्या करता, मामा के जुल्म से तंग आकर मैं तो गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन जब से घर से भागा हूं बस भागता ही रहा हूं। जब छोटा सा था तो कभी रोटी के लिए तो कभी सहारे के लिए, और जब से बड़ा हुआ हूं तो कभी पुलिस से बचने के लिए तो कभी गुंडों से। बाप के प्यार का साया बच्चों को किन तकलीफों से बचाता है ये मैं एक लावारिस बनकर ही जान पाया। मगर क्या करता, आपकी और मां की मजबूरी मेरी किस्मत बन गई थी पिताजी। पिताजी माफ कर दे मुझे बेटा, माफ कर दे, माफ कर दे बेटा मुझे। ओह, तो तुम अपने पिताजी के बारे में जान चुके हो। जी हाँ, और उनकी रिहाई के लिए सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? वो कैसे? अगर मैं सरकार के लिए आपके कहने पर अपनी जान खतरे में डाल सकता हूं तो क्या आप सरकार से मेरे पिताजी की रिहाई की सिफारिश नहीं कर सकते? ठीक है, मैं तुम्हारे बाबूजी को जेल से जल्द अज जल्द रिहा करवाने की कोशिश करूंगा। एसपी बख्शी प्लीज कम इन, एसपी बख्शी प्लीज कम इन, एसपी बख्शी प्लीज कम इन। बख्शी हियर। सर मैं रामप्रसाद मिश्रा बोल रहा हूँ। सर अभी अभी जंजार सिंह यूनिवर्सल बैंक में डकैती के लिए घुसा, लेकिन बैंक मैनेजर ने हमें सही वक्त पर इत्तला दे दी और हमने फौरन एक्शन लेकर जंजार सिंह और उसके तीन साथियों को घायल कर दिया। लेकिन सर जंजार सिंह भाग कर एक स्कूल बस में घुस गया है, इसमें करीब 35 से 40 स्कूल के बच्चे हैं। उसने बस को अपने कब्जे में कर लिया है सर, हम क्या करें?
अमरजीत बख्शी, मुझे राजा और 50 लाख रुपए चाहिए जो उसने मुझसे लूटे हैं। बस मैं पूना की तरफ लेकर जा रहा हूँ और ये कहीं रास्ते में रुकेगी नहीं ताकि तुम्हें कोई दगाबाजी करने का मौका नहीं मिले, समझे? इसलिए उसे किसी ऐसी खुली गाड़ी में लाना जहां से वो और पैसा मुझे साफ साफ नजर आए और राजा आसानी से बस में घुस भी सके। सर, अब हम राजा को कहां ढूंढे? राजा यही मेरे पास है, तुम जंजार सिंह का पीछा करो, मैं राजा को लेकर वहां आता हूं। ओवर। अमरजीत बख्शी की रिपोर्ट और राजा की गवाही से यह साबित होता है कि भारत जनता बैंक में हुई डकैती और वहां किए गए 3 कत्ल का जिम्मेदार झंझार सिंह और उसका गिरोह है। इन गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत झंझार सिंह को आतंकवादी ठहराकर 22 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है और झंझार सिंह के किए हुए बाकी 13 अपराधों का फैसला अगली सुनवाई में होगा। चला है कि कल शाम को तुम्हारे पिताजी तुम्हें लंदन भेज रहे हैं, शायद वहीं तुम्हारी शादी करने का इरादा है। इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम्हें खुशियां देने के लिए, मौत नहीं। चलो यहां से। कहां? जहां तक जिंदगी ले चले।
सुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया प्यार ना करना ये दिल कहता रहा कहने दिया चुन लिया चुन लिया मंदिर आ जाओ मैं साड़ी पहन के आता हूं मंदिर क्यों शादी के लिए शादी तुम्हारे पिताजी को पता चल चुका है कि हम यहां हैं वो किसी भी वक्त यहां आते होंगे उनको बार बार हमारे पीछे आने से रोकने के लिए
हमारे पास बस यही एक रास्ता है। बुड्ढे पे ध्यान रखना, ये बुड्ढा एक ना एक दिन आप उनको उस छोकरे तक जरूर पहुंचाएगा। तुम ठीक हो ना रश्मि? मुझे कुछ नहीं हुआ। रश्मि, क्या हुआ मेरी बच्ची को? कौन है ये लोग? ये झंझार के मेरे लिए आए। आप रश्मि को संभालिए। मेरी बच्ची, मैं इनको दूसरी तरफ लेके। नहीं राजा, मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे। नहीं राजा। नहीं रश्मि, मत जाओ। राजा, रश्मि मुझे छोड़ दो। नहीं राजा, मत जाओ। रश्मि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं राजा। नहीं रश्मि, मत जाओ। राजा, रश्मि मुझे छोड़ दो। नहीं राजा, मत जाओ। रश्मि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। चले बगैर, तू उधर जा। बाप ने हम पर जो एहसान किया उसके बदले में तुम्हें हमारी इज्जत पर हाथ डालने का अधिकार मिल गया? मैं तो सिर्फ रश्मि को से मौत के मुंह तक तो पहुंचा दिया तुमने, अब उसे क्या अंदर भी धकेलना चाहते हो? मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। तुम्हारी रहते वो कभी ठीक नहीं हो सकती। चले जाओ यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चाहते क्यों नहीं? चले जाओ यहां से। गेट आउट। मिसेस कपूर, मिसेस कपूर, मिसेस कपूर, मिसेस कपूर, मिसेस कपूर, ये राजा कौन है? क्यों, आपकी बेटी की नब्ज डूब रही है और वो बेहोशी में सिर्फ राजा का नाम ले रही है। वो जहां पर भी हो उसे फौरन यहां बुला लीजिए, वरना आपकी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है। प्लीज। ड्राइवर के बेटे के साथ जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि वो अस्पताल में ही मर जाए। राजा, राजा, मैं कहती हूँ रुक जाओ। अगर तुमने रश्मि के कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो मुझे मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। रुक जाओ, आग उसे चले आ रहे।
रश्मि! ड्राइवर होकर मालों का काम देखता है। आइए एसपी साहब, देखिए पहली बार जब आप मुझे मिलने आए थे तब मैं एक मुजरिम था और फिर भी मुझे मरम पट्टियां लगाई जा रही थी, और आज इस जेल में। यह सफर मेरे अकेले का नहीं है, हर उस आम आदमी का है जो इस रास्ते से जाना चाहता है, क्योंकि समाज के इन ठेकेदारों को आम आदमी सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करता रहे और ये चैन की नींद सोते रहे। इसी आम आदमी के कंधे पर संस्कारों का बोझ डाला जाता है ताकि उन्हें फाइव स्टार होटलों में डिस्को और अय्याशी करने की छूट मिल जाए, और यही आम आदमी जब उनकी खुशियों में से एक छोटा सा हिस्सा मांग लेता है तब उसे गुनहगार बना दिया जाता है, मुजरिम बना दिया जाता है और इस कालकोठरी में बंद किया जाता है। वाह एसपी साहब वाह, क्या संस्कार है आपके। देखो राजा, इस वक्त तुम अपने काबू में नहीं हो। हाँ हाँ, मैं बेकाबू हो गया हूं, मैं बेकाबू। आपके संस्कार की जंजीरें, आपका कानून, क्योंकि आपके समाज के संस्कार अमीरी और गरीबी की सीमा पर आकर रुक गए हैं। क्या कसूर था मेरा? हाँ, मैं गुनाह की जिंदगी छोड़कर एक सीधे साधे आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता था, मेहनत करके रश्मि के साथ घर बसाना चाहता था, और क्या दिया आप लोगों ने मुझे? ये अंधेरा, ये अकेलापन, ये सर सलाखें और रश्मि, उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी आज वो अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए तड़प रही है। अगर रश्मि को कुछ हो गया ना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि झंझार सिंह से बड़ा मुजरिम पैदा करने का सेहरा आपके सर होगा। बहुत मेहनत से कमाया है मैंने तुम्हें इस देश के लिए, ऐसे ही जाया नहीं होने दूंगा। तुम्हारे प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करके रहूंगा, इसीलिए आया हूं मैं यहां। तुम्हारी रश्मि को कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा और ना ही आतंकवादियों की गोलियों से बचकर भागना होगा, अगर तुम मेरी बात मान जाओ। रश्मि की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम्हें मरना पड़ेगा। दुनिया के लिए भी और रश्मि के लिए भी। फॉर देम यू विल बी ए डेड पर्सन। वो कैसे?
ये तो तुम जानते ही हो कि आज से तुम्हारा नाम रोनी है। ये रही तुम्हारी रोनी के नाम से 3 बजे की फ्लाइट की नेपाल की टिकट और साथ में पासपोर्ट। इस बैग के अंदर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी हैं। बाहर एक वैन वेट कर रही है, वो तुम्हें एयरपोर्ट ले जाएगी। हमने तुम्हारे लिए नेपाल के काठमांडू होटल में एक ऑर्केस्ट्रा सिंगर की नौकरी का इंतजाम कर रखा है। अब तुम रोनी के नाम से नेपाल में हमेशा के लिए बस जाओ। बसना कैसा एसपी साहब, अब तो जब तक मौत नहीं आती बस तड़पना ही है। रश्मि को यादों को लेकर तड़पना है और मुझे उसका तड़पना भुलाने के लिए तड़पना है। मैं समझ सकता हूं, मगर तुम जैसे नौजवानों की मोहब्बत से तो घर बनते हैं लेकिन कुर्बानियों से मुल्क बनते हैं। झंझार सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए तुमने जो कुर्बानी दी है उसके लिए ना सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट बल्कि सारा मुल्क तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। जब झंझार सिंह और उसके गिरोह को तसल्ली हो गई कि उन्होंने राजा को खत्म करके अपने बदले की आग को ठंडा कर दिया है, मैं रोनी के नाम से हिमालय की इन हसीन वादियों में हमेशा के लिए बस गया। रश्मि कैसी है डॉक्टर साहब? देखिए, इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इनके दिमाग पे कितनी चोट आई है ये तो जब तक स्कैनिंग रिपोर्ट नहीं मिल जाती कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे दे। ए, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? जरा पकड़ना। क्या हुआ? नहीं, देख रहा था करंट है क्या। क्या आदमी है यार। अरे चल चल काम कर रहे चल। वो 684 जेल में तो पड़े हो, इतने नोट का क्या करोगे? चल जल्दी से एक सफेद परी निकाल चल। अबे साले, इस नोट से मैं वो चाबी खरीदूंगा तेरे लिए इस जेल के ताले खोल दे। क्या बात कर रहा है? 50 रुपया और निकाल चल चल। हाँ, बढ़ा दिया क्या? अबे चल चल 50 निकाल। अरे देता है ना यार साले कुत्ते। इस कुत्ते के पास इतनी बोटियां कहां से आई? कहीं मेरी तो नहीं छुराई? ए चिल्ले। नहीं नहीं ये मेरा है। नहीं साले, मेरे सामने मेरा। ये फोटो तेरे पास कहां से आया? सब मेरा है, मेरा। ये पैसे वैसे जितने हैं 684 सब मेरे हैं। साले ना, कहां से आया ये तेरे पास? क्या लगता है तू इसका? कौन है तू इसका? क्या लगता है? कैसे जानता है तू इसे? बता कुत्ते बक, वरना जान से मार दूंगा। ये तो रखा था पता नहीं कहां। कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे हैं आप? हाँ हाँ, आपके बगल वाला कड़का साथी इसे चुरा कर ले गया था। साला चोर जेल में भी चोरी करता है, वो भी आप जैसे धार्मिक से। जय हो प्रभु, मैंने जेलर से कहकर उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया है। हाँ, बड़ी मेहरबानी की तुमने। कोई बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छे आदमी लगते हो, किस बात की सजा काट रहे हो? इन बातों को छोड़िए, आप पहले गिन तो लीजिए आपके रुपए पूरे हैं कि नहीं। रुपए? मुझे तो चिंता थी इस तस्वीर की। हाँ भाई, अब तो तस्वीर देखकर ज्यादा नहीं, सिर्फ आज की रात बितानी पड़ेगी जेल में। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कल ही तो रिहा हो रहा हूँ क्या? इसीलिए जेलर साहब से कह के मैंने ये प्रसाद चढ़ाया है, ये लो। लेकिन बाहर जाकर फायदा क्या? तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। ए, ऐसी बातें मत करो, मरे उसके दुश्मनों का दुश्मन भाई। वो तो एक अंदर की बात बताऊं,
मेरा बेटा जिंदा है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, किसी ने आपका दिल रखने के लिए आपसे झूठ कह दिया होगा। ए भाई साहब नहीं, वो जिंदा है। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ वो जिंदा है। अरे वो तो दुश्मनों से उसे बचाने के लिए एसपी साहब ने उसकी मौत का नाटक रचा था। अच्छा तो फिर तुम्हारा बेटा है कहाँ? मेरा बेटा नेपाल में है, होटल काठमांडू में नौकरी करता है। अब तो भाई बची खुची जिंदगी, बस उसी के साथ गुजार दूंगा। हाँ, अगर छूट गया तो तुम बाप बेटों से जरूर मिलूंगा। जरूर आना है। भैया अब तुम सो जाओ, मैं भी पूजा पाठ करके सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना है ना। प्रसाद तो बांट दीजिए। अरे हाँ। वार्डन साहब। हाँ क्या है? वार्डन साहब ये मिठाई लीजिए, अपने भाइयों में बांट दीजिए, आप सब भी लीजिए। जरूर जरूर, प्रसाद तो जरूर लेंगे। जेल से रिहा होने की खुशी में हमने भगवान जी पे चढ़ाया था भाइयों। अरे भाई साहब आप भी तो लीजिए ना। लीजिए खाइए ना, मैं खिला देता हूँ। खाइए खाइए। भूखे था। भूखे था। सिंह जेल से भाग गया है, साथ में दयाल वर्मा को भी ले गया है और खबर मिली कि वो नेपाल की तरफ गया है। ओके। देखो डीपी। यस सर। जंजार राजा के पिता को किडनैप करके जेल से भाग गया है। राजा को खबर कर दो कि काठमांडू छोड़कर कहीं ना जाए, हम कल नेपाल पहुंच रहे हैं। यस सर। हाउ इज शी डॉक्टर? डोंट वरी, शी इज फाइन। इनकी स्कैनिंग रिपोर्ट एकदम ओके है और दिमाग पर कोई भी चोट नहीं है। कैसी हो अब? कौन है आप? मुझे क्या हुआ है और आप लोग कौन हो? मुझे लगता है इनकी याददाश्त में कुछ फर्क पड़ गया है। रश्मि, मैं राजा, तुम्हारा राजा रश्मि, मुझे नहीं पहचाना? याद करो रश्मि, मैं तुम्हारा राजा हूं। कल तुम्हीने तो मुझसे झगड़ा किया था, याद करो रश्मि। आप इसे बताइए ना कि मैं इसका राजा हूं। याद करो रश्मि, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। रश्मि याद करो, रश्मि मैं तुम्हारा राजा हूं। रश्मि अच्छा हुआ, अब तो तुम मान ही गए कि तुम ही राजा हो और वो भी मेरे। चलिए डॉक्टर साहब, दूसरे पेशेंट को देखेंगे। जरूर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, रश्मि कपूर कौन से कमरे में है? वो तो सुबह एक लड़के के साथ चली गई। लड़के के साथ? हाँ।
झंझार सिंह जैसे आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए नेपाल पुलिस आपकी हर तरह की मदद करेगी। के लोग हैं। हाँ। कैंप की तरफ जा रहे होंगे। राजा तुम यहां क्या कर रहे हो? कमाल है, मैंने तो तुम्हारे लिए मैसेज भेजा था कि काठमांडू छोड़कर कहीं मत जाना। झंझार सिंह की धमकी आई है कि अगर बाबूजी की जान बचानी है तो मैं मारफा आ जाऊं। ओह, तो इसका मतलब झंझार सिंह मारफा में है। हेलो अंकल। अरे तुम भी यहां? पीपी कहां है?
लगता है ये बाबूजी को पगोड़ा की तरफ लेके जा रहे हैं। राजा तुम और डीपी पगोड़ा की तरफ जाओ, मैं और रश्मि अलग से आते हैं। चलो रश्मि। जमाल कितना सफेद परी लाया है? 400 किलो गर्दुल्ला। क्या? 400 किलो? ये तो दो चार दिन में खत्म हो जाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो गर्दुल्ला, छोड़ दो मुझे। ये लड़का गोली चलाने से कतराता है। मैं जानता हूँ तुम लोग हमें हमारे देश के खिलाफ भड़का रहे हो। मैं नहीं चलाऊंगा किसी पे गोली, मैं नहीं लूंगा किसी की जान। दो चार बार और ठूस साले के मुंह में। ड्रग्स की लत एक बार किसी को पड़ जाए ना, दोबारा उसका चस्का लेने के लिए अपने सगे माँ बाप पर भी गोली चलाने से नहीं कतराएगा वो। गर्दुल्ला भाई, गर्दुल्ला भाई। क्या है? सूरज प्रताप सिंह ने हथियार मंगावा है। अरे इतना हथियार, इतने हथियार का क्या करेगा रे? मुल्क जीतने का इरादा है क्या? कुछ ऐसा नहीं समझा, देश में इलेक्शन आवा है ना। क्या बात कर रहा है। गर्दुल्ला, ये औरत है बम फोड़ने के लिए। सुन, तू जानती है ना अपने बदन पर बम की पट्टियां लपेट कर इलेक्शन के मीटिंग में जाना होगा तुझे। ये क्या है? ये इस वक्त दुनिया का सबसे भयंकर बारूद है। इसकी दो पट्टियां फट जाए तो इसके आसपास 1,000 मीटर के दायरे में बिल्डिंगें, लोग, गाड़ियां, पेड़, जितनी भी चीजें हैं राख हो जाएंगी। तुम्हारे शरीर का एक इतना भी हिस्सा नहीं बचेगा। नहीं मेरे बाल बच्चे, मुझे छोड़ दो, मैं काम नहीं करना चाहती। हमारे चक्रव्यूह में आखा ही गया। मैं और तुम्हारा बाप, हमने तुम्हारी झूठी मौत नहीं देखी, मगर आज तुम्हारी असली मौत जरूर देखेंगे। जो भी करना है जल्दी कर ले झंझार सिंह, वरना बाद में पछताएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पुलिस का फंदा तुम जैसे आतंकवादियों के गले तक बड़ी तेजी से पड़ रहा है। अरे वाह, ये हिंदुस्तान की मिट्टी भी कमाल की मिट्टी है, और एक चोरों में भी देशभक्ति जगा देती है। Yeah.
साला बहुत दम है रे हिंदुस्तानी में, आए ले जा साले को, और जब ये मर जाए तो उसकी लाश अमरजीत बख्शी को भेज देना। वालेकुम सलाम। नहीं कुछ चुरा नहीं। तुम एसपी साहब पिताजी को ले गए, अब हमें राजा को ले जाना है, लेकिन राजा कहाँ है? बस्ती में जो हंगामा खड़ा किया उसका फायदा उठाकर हमने तुम्हारे बाबूजी को बचा लिया राजा। राजा बस अब तुम्हें किसी भी तरह सिर्फ मेरे साथ वहां तक चलना है, फिर घोड़ों पर बैठकर हम इस घिनौनी बस्ती से निकल जाएंगे। राजा उठो उठो आहिस्ता। मेरा इस तरह यहां से भाग जाना ठीक रहेगा रश्मि? इस तरह मतलब? मैं तुम लोगों के साथ आऊं या ना आऊं, तुम लोग बाबूजी को तो बचा ही लोगे, मगर ये बस्ती जहां से हमारे देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्या मैं इसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं? बाबूजी ने जेल की सजा तक इसलिए काटी थी कि उनके बेटे के अंदर संस्कार जाग उठे। क्या मैं उनके त्याग का कर्ज इस तरह चुका हूं? चल आजा। झुंझार सिंह रे हुआ, तू अभी तक जिंदा है? मैं तो कब से मातम बना रहा था और तू फिर वापस आ गया। तेरा ये सांप का फन, ये कैंप जहां से तू हिंदुस्तान के खून में जहर फैला रहा है, इसे तो मैं आज और अभी कुचल कर ही रहूंगा। तू अकेला? अबे लंगड़े, इस कैंप को खत्म करने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे। इस कैंप को खत्म करने के लिए मुझे 100 बार जन्म लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार मरने की जरूरत है। तीन मिनट में मेरे साथ साथ इस बस्ती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब बोल इनको गोली चलाएं। कोई 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 गोली नहीं चलाएगा। गोली कोई नहीं चलाएगा। जैकेट उतार का, जैकेट उतार। पागल हो गया, इसको कोई छोड़ना मत दो। क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं मिला सकता है, पकड़ इसको। क्या जा रहा है? Yeah.
मुश्किल हो गया, देखा दोबारा
था तुझे दिल ये दिल तुझे दिल ये दिल।